दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको मनरेगा में पेमेंट रिजेक्ट होने का एक और कारण, जिसे हम अकाउंट रीज्ड मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कहा जाता है, हालांकि यह समस्या बहुत कम देखने को मिलती है, परंतु यदि आप इसे समझ लेते हैं तो भविष्य में होने वाली समस्या से बच सकते हैं। देखिये, मनरेगा में अधिकतर अकाउंट्स जीरो बैलेंस वाले ही होते हैं। ऐसे अकाउंट्स को ही नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता है। इन अकाउंट्स को लेकर बैंक ने कुछ लिमिटेशन बांध रखी है। जैसा पहला, इसमें आप एक बार में 10 से 12 हजार जमा नहीं कर सकते, और दूसरा, इस अकाउंट में आप 50,000 से ज्यादा बैलेंस भी नहीं रख सकते। यदि आपके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा बैलेंस होता है तो मनरेगा की मजदूरी की राशि इस अकाउंट में जमा नहीं हो पाती है। इस समस्या का पहला समाधान तो यह है कि आप लिमिटेशंस में रहिए, और यदि आप लिमिटेशंस में नहीं रह सकते अर्थात 50,000 से ज्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो आपको इस फ्रिल अकाउंट को सेविंग अकाउंट में परिवर्तित कराना होगा। हालांकि इसमें कुछ शुल्क आपको बैंक में देना होता है। इसके साथ साथ दो अन्य कारण भी होते हैं, जैसे KYC पेंडिंग और इनसफिशियंट फंड्स। हालांकि इस प्रकार के केसेस भी कम देखने को मिलते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो जारी किया है, ये देखिए ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके इन दोनों समस्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आप चाहें तो मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है, जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर इसमें ऐड हो सकते हैं। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के डाउट्स हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।